होली हो और ठंडाई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और कैसी चल रही हैं होली की तैयारियाँ? भाई मेरे घर में तो बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। बना ली गुंजियाँ? तो आइए ठंडाई की तैयारी भी करते हैं। ठंडाई बनाने से पहले उसका हम पाउडर बना लेते हैं ताकि हम उसे इंस्टेंट बना सकें। मैंने एक बड़े से बाउल में मैंने एक कप पिसी हुई चीनी ली है और आधा कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 1/4 कप मैंने खसखस और सौंफ ली है और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, आधा कप ही मैंने बादाम और काजू का पाउडर लिया है। अब यहाँ पे मैं कुछ पिस्ता के दाने डाल रही हूँ और ये मिश्री है थोड़ी सी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ 2-4 दाने ही मैं अखरोट के ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट यहाँ आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए हमने इसको पीस कर बिल्कुल इस तरीके से पाउडर बना लेना है। यहाँ दरदरापन भी चलेगा क्योंकि जब हम मिल्क उसको शेक को बनाएंगे ठंडाई को तो उसमें बहुत टेस्ट लगता है। और यहाँ पे आपको मैं एक टिप देना चाहूँगी, इस पाउडर को आप बिल्कुल ड्राई जार में कांच के ही रखिए जिससे आप इस पाउडर को 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं यूज़ करते तो इसे आप बाहर किचन में 3 मंथ तक भी रख सकते हैं, आपको फ्रिज में या कूल प्लेस पर रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर मिल्क लिया था और ये फुल फैट वाला ही है, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छा उबाल आने तक इसे साथ साथ कड़छी से चलाते रहिए ताकि जो हमारा पाउडर है वो तले पर ना लगे। यहाँ बीच में जब ये तैयार होने लगे तो इस तरीके से कुछ ड्राई फ्रूट को कट करके डाल दीजिए। चंक्स जब मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और देखिए कितने इंस्टेंट हमारी ये ठंडाई बनकर तैयार हो गई है। इसे फ्रिज में रख कर ठंडा करके या आइस भी डाल सकते हैं और आप इसे इंजॉय कीजिए।